हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, इंडो पाक रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने वाले एक पाकिस्तान एक इंडियन वीडियो पर, जिसका टॉपिक है कि इंडियन गर्ल्स पाकिस्तानी बॉयज से डेट करना चाहेंगी या नहीं। तो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है। मैं भी वीडियो को पहली मरतब देखता हूँ। देखते हैं हिंदुस्तानी गर्ल्स का क्या रिएक्शन है इस टॉपिक पे, इस सवाल पे, कि वो पाकिस्तानी बॉयज़ को डेट करना चाहेंगी, उनसे शादी करना चाहेंगी कि नहीं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये रिएक्शन कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स प्ले द वीडियो नाउ। करना चाहिए कि वो उसकी पर्सनालिटी कैसी है पाकिस्तानी को। अच्छा कमाता है, बढ़िया दिखता है, तो ठीक है, इंसान भी तो अच्छा होना चाहिए। जब हमें हमारे पड़ोस में अच्छा मटेरियल मिल रहा है, हम क्यों आउट में जाएंगे। कैन यू डेट अ पाकिस्तानी गाय इफ ही इज एस्टैब्लिश्ड और अच्छा है, मतलब लुक वाइज भी? या वाई नॉट, बिकॉज वी शुडन जज अ पर्सन बाई हिज फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग्स टू, या फिर उसका रिलीजियन क्या है। हमें एक पर्सन को वैसे जज करना चाहिए कि वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, मतलब वो इंसान अच्छा ही है नहीं, दिल से कैसा है, क्योंकि यही सब मैटर करता है। बाकी रिलीजन और कंट्री ये सब मैटर ही नहीं करता। हाँ, उसके उससे शादी वादी कर सकते हो या डेट कर सकते हो? पाकिस्तानी को नहीं। क्यों नहीं? रीज़न क्या है? बस ऐसे ही नहीं कर सकती। व्हाट डू यू थिंक? मैं भी नहीं करूँगी करने को। तो क्यों? क्यों? ये तो बहुत बड़ी कहानी है। अब क्यों, बस पता नहीं क्यों। कुछ सुनना तो होगा, मतलब कुछ सुन नहीं है वहाँ के लोग या नहीं? लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, बस नहीं करनी है मुझे। अच्छा, नहीं मैं नहीं सोच सकती। क्यों? बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, तो डिपेंड करता है इसलिए। अच्छा कमाता है, बढ़िया दिखता है, फिर भी पहले तो मेरे लिए फैमिली है ना, तो अगर फैमिली अलाउ नहीं करेगी तो मैं कभी ये सब करना नहीं चाहूँगी। अच्छा कमाता है, बढ़िया दिखता है, तो ठीक है, इंसान भी तो अच्छा होना चाहिए। हाँ। नहीं, इंसान भी बढ़िया है तो कर लूंगी। अच्छा रिश्ता है, कर लोगे मतलब? हाँ हाँ, बढ़िया दिखता है। हाँ, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें? क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आइडियल लाइफ पार्टनर में आपके साथ? पाकिस्तानी में क्या होना चाहिए जिससे आप शादी करोगे? अगर कोई भी एनी काइंड आपका लाइफ पार्टनर कैसे होना चाहिए? हाँ, अब मैं उसको अपने रिलीजियन के उस पर तो नहीं देखूंगी, बस ये हो थोड़ा सेंसिबल हो और स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो थोड़ा सा। लुक्स वाइज भी चलो ऐसे कोई वो नहीं है, बट हाँ बस इतना ही। प्रेफर तो करेंगे, बट इंडिया में कमी नहीं है, इंडिया के भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और स्मार्ट भी है, प्रोफेशनल भी है और अच्छे स्टैंडर्ड्स भी हैं। सो आई गेस, तो इंडिया को छोड़ के क्यों जाना चाहेंगे हम? जब हमें हमारे पड़ोस में अच्छा मटीरियल मिल रहा है, हम क्यों आउट में जाएंगे? अगर वाइब्स मिलती है या सब कुछ है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, और आपको क्या लगता है, मतलब अगर आपको कोई अच्छा प्रोफेशनल गाय मिलता है जो कि पाकिस्तान से है बट वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो क्या वुड यू प्रेफर? नो आइडिया। अगर आपको मौका मिले तो क्या वुड यू लाइक टू डेट अ पाकिस्तानी? नो, नॉट एट ऑल। व्हाई? नॉट एट ऑल, बिकॉज द थिंग इज कभी उधर से हमारे लिए हाथ नहीं बढ़ा है, एवरी टाइम हमारी तरफ से हाथ बढ़ाया गया है। स्टिल अगर किसी को अगर इतनी भी कर्टेसी नहीं है कि अगर आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाता है और आप उसको है ना हाथ मिलाने की बजाय आप उसके हाथ को तोड़ दे, तो है ना ऐसा नहीं चलता ना। एक बार होता है, दो बार होता है, बार बार थोड़ी होता है। तो रिसेंटली जो 14 फेब को हुआ था, और 14 फेब को पुलवामा अटैक, वो बहुत बड़ा जोक है। 26 हमारे मारे गए, कोई जोक नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो। हमारे इंडिया में बॉयज कम है क्या? हम वहीं पे ढूंढ लेंगे। ताज होटल का अटैक, ठीक है, बहुत सारे हैं, उरी अटैक, ऐसे और भी बहुत सारे अटैक्स हैं जो कि वक्त वक्त पे होते रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वो तो होते रहे, वो तो एक बात है कैसी जो निगलेक्ट नहीं की जा सकती है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ऑफ दिस, अगर वहाँ के लड़कों की बात करें, वहाँ के बॉयज की बात, नो नॉट एट ऑल। जब तक आप किसी को, मैं तो यहाँ के किसी अनजान को नहीं पकड़ सकती। पाकिस्तान तो बहुत दूर हो गया, और ऐसी कंट्री जो कि हमारे लिए कभी अच्छा सोचती ही नहीं,
तो इट्स ऑब्वियस थिंग, हिस्सा था इंडिया का जो अलग हो गया था और एक कंट्री बन गया था, पाकिस्तान बना था ना। और वुड यू लाइक टू डेट या फिर वुड यू लाइक टू मैरी अ पाकिस्तानी का? रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। नहीं, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, बाहर रहने वाला मतलब किसी भी रिलीजन का नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब क्या है, मतलब जो आप इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देते, ऐसी क्या नहीं मैं बिल्कुल भी, मतलब किसी के किस कंट्री से बिलोंग करते हैं या फिर कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बात करनी तमीज़ होनी चाहिए, बस बस इतना काफी। एक्सपेक्टेशन है, अटेंशन देनी चाहिए बस, और क्या चाहिए। ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं अगर किसी भी कंट्री से, बट अगर ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग? हाँ, चलेगा। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई ऑलवेज सपोर्ट माई इंडिया, तो आई डोंट थिंक सो दैट पाकिस्तानी गाय, वेल वेदर इट इज ही वॉज स्टेबलाइज, मतलब जो भी है, बट आई डोंट लाइक पाकिस्तानी पीपल। बट क्वालिटीज यू सी की ना गाय, लाइक अगर वो इंटेलिजेंट हो, वेल एस्टैब्लिश हो, बट पाकिस्तान से हो, चलेगा क्या? मैं फैमिली ओपिनियन मैटर करता है, उनके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी कि ऐसा ऐसा है। नो, फिर भी मुझे लगता है कि फिर भी नहीं। नो, आई डोंट थिंक सो। व्हाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड? बिकॉज़ आई वुड प्रेफर इंडियन गाय, एंड आल्सो रिलीजन आल्सो अ मैटर ऑफ थिंग फॉर मी एंड माई फैमिली। रिलीजन इज हिंदू, ही इज़ फॉलोइंग हिंदूइज्म, बट ही स्टेज इन पाकिस्तान। No, because I love to live in India and I would prefer to be an Indian guy. बस मन के ऊपर है ना। पाकिस्तानी लड़के को डेट करोगे अगर पहले established है, intelligent? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? लेके बस मन है। क्या सोचा है मतलब? अभी वो अपना पड़ोसी कंट्री नहीं है ना, अभी वो अपना दुश्मन कंट्री बन गया, इसलिए सेम ईयर, सेम ईयर। क्या लगता है आपको? सेम बात, हमें नहीं करना है डेट। लेकिन अगर वो बहुत एस्टैब्लिश हो, बहुत नहीं चाहिए उतना एस्टैब्लिश, वी कैन फाइंड एनीबॉडी एल्स इन इंडिया आल्सो। इंडिया में बहुत है, इंडिया में एक से एक लड़के हैं। हाँ, हमें दुश्मन नहीं चाहिए। क्या पाकिस्तान के लड़के को डेट करना चाहोगे अगर वो अच्छा कमाता होगा, दिखने में अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा? नहीं। क्यों? लेकिन ऐसे ही मैं तो पाकिस्तान जा ही नहीं पाऊँगी, तो करूँगी कैसे? डर लगता जाने से। आपको क्या लगता है? मैं अपने इंडिया से प्यार करती हूँ, तो मैं अपने इंडिया के लड़के को ही डेट करना चाहूँगी, पाकिस्तान के लड़के को नहीं। तो दोस्तों, वीडियो ही ख़त्म। तो देखा आपने पाकिस्तानी, सॉरी इंडियंस गर्ल्स का क्या रिएक्शन था इस पे। कुछ लड़कियाँ जो है अपने फैमिली मैटर्स का प्रॉब्लम था उनको, कुछ लड़कियाँ जो है पाकिस्तान से उतना, मतलब जो न्यूज़ पे पॉलिटिकली देखती हैं उसके प्रभावित थी कि नहीं वो हमारा दुश्मन मुल्क है। इन कुछ लड़कियां बोल रही थी नहीं, हमें कोई मैटर नहीं करता अगर वो वेल एजुकेटेड और सेटल बंदा है और अच्छे से बात करता है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके रिलीजन और धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शादी कर सकते हैं। तो कुछ लड़कियाँ बोल रही थी हमें फैमिली से पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि फैमिली का क्या एक्सपेक्टेशन। जी, फैमिली का भी कुछ प्रेशर होता है। तो भारतीय लड़कियों ने कुछ लोगों से राजनीतिक से जो पॉलिटिकल इशू था इसके वजह से वो जो। तो आपको कैसी लगी दोस्तों वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ओके, टेक केयर।